क्रेडाई बीएनएम का 20वां प्रॉपर्टी एक्सपो संपन्न हो गया। चार दिनों तक चले इस प्रॉपर्टी एक्सपो में 600 से अधिक मकानों और संपत्तियों की डायरेक्ट बुकिंग हुई है, जबकि तकरीबन 300 करोड़ का अनुमानित कारोबार होने की खबर है। नई मुंबई बिल्डर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि इस बार प्रॉपर्टी एक्सपो चैलेंजिंग था, लेकिन ग्राहकों के अच्छे प्रतिसाद के कारण सफल रहा। यहां सिडको, मनपा और पुलिस आयुक्त समेत कई विधायकों ने भी प्रदर्शनी देखी और बिल्डरों का हौसला भी बढ़ाया। देखिए झलकियां। नवी मुंबई वासी में चार दिनों तक चला 20वां क्रेडाई बीएनएम प्रॉपर्टी एक्सपो लाजवाब रहा। 360 डिग्री स्वच्छ और स्मार्ट नवी मुंबई थीम पर आधारित एक्सपो में लाखों ग्राहकों ने हाजिरी लगाई। वहीं सिडको एमडी डॉक्टर संजय मुखर्जी, पनवेल के मनपा आयुक्त गणेश देशमुख, बीजेपी विधायक गणेश नाइक, प्रसाद लाड़ और मंदाताई मात्रे, पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह समेत तमाम दिग्गजों ने भी भेंट दिया। एक्सपो के समापन पर बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने बेस्ट पवेलियन और बेस्ट स्टॉल्स और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई बिल्डरों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। मंदाताई मात्रे ने कहा कि नए UDCPR और 5 FSI के कारण नई मुंबई के विकास को गति मिल रही है, जिसका फायदा बिल्डरों और घर चाहने वाले दोनों को मिल रहा है। उन्होंने एक छत के नीचे सैकड़ों संपत्तियों की प्रदर्शनी लगाने पर बिल्डर एसोसिएशन ऑफ नई मुंबई की भी सराहना की। भेट देताना अनेक स्टॉल मध्ये मी प्रोजेक्ट पाहिले, त्या प्रोजेक्ट मध्ये जास्तीत जास्त लोकांना स्वस्त आणि मस्त घर कशी मिळतील त्यासाठी प्रयत्न केलेला, आणि त्यामुळे या बिल्डर असोसिएशनचे दोन्ही ज्या संघटना आहेत त्यांचे अध्यक्ष आहेत, सेक्रेटरी आहे खजिनदार, या सगळ्यांचं मी मनापासून कौतुक करते की आपण बघितलं, आपल्याला जो FSI दिला, आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेल या नवी मुंबई त्यावेळी सिडकोने 1.5 FSI दिला होता, तरी या लोकांनी इथे काम केलं। पाम बीच हा नव्या मुंबईचा नेकलेस म्हणून पूर्ण राज्यात नाही तर देशामध्ये गिनती झालेली आहे, पण ही कोणामुळे झाले तर या डेव्हलपर लोकांनी येऊन नव्या मुंबईमध्ये चार चांद लावलेले आहेत। आता काय झालं आहे की रिडेव्हलपमेंट हा भाग वेगळा आहे आणि नवी मुंबईला प्लॉट घेऊन बांधतात तो भाग वेगळा आहे। तर रिडेव्हलपमेंटमध्ये 3 FSI आहेच आपल्याला, त्याच्यात तुमचे फ्लावर बेड आहेत, टर्केस आहे, हे सगळं त्यांना परवडतं। शिवाय आता सरकारने काय केलेलं आहे, सरकारने पूर्ण एक चौकोन आखून दिलेला आहे। त्या चौकोनमध्ये पहिला कसं बिल्डर सांगायचे बिल्डअप एरिया आणि काय द्यायचे लोकांना माहिती नसायचं, पण आता तसं नाही, आता 3 FSI काय काय मिळणार हे लोकांना सांगितलं जातं आणि त्याच्यामध्ये बिल्डरांचा प्रामाणिकपणा, लोकांना मिळणारी सुविधा सेवा ही व्यवस्थितरित्या मिळत आहे, आणि त्याच्यामुळे आता नवीन बिल्डिंग बांधतात त्यांना 4.8 मिळणार आहे, त्याच्यामुळे त्यांचंही व्यवस्थित पावतो। त्याच्यामुळे कोणालाही इथे मला वाटत नाही का बिल्डर लॉसला जातील। CPR हा निर्णय अतिशय चांगला आहे, कोणाला वाटत असेल घातक तर त्याने त्याच्यात अभ्यास करावा, त्याचा जर अभ्यास केला तर तो तुम्हाला कळेलच की लोकांचा याच्यात फार मोठा फायदा आहे, जनतेचा फायदा आहे, घर घेणाऱ्याचा फायदा आहे त्याच्यामध्ये, आणि त्याचप्रमाणे बिल्डरांचाही फायदा आहे, विकासकाचाही फायदा आहे। म्हणजे हा जो आणलेला जो निर्णय आहे तो अतिशय चांगला आहे, त्याच्यामध्ये मला वाटतं जर अभ्यास केला 3 FSI जर तुम्हाला रिडेव्हलपमेंटला मिळत असेल तर काय वाईट आहे, 4 FSI 8 मिळत असेल तर काय वाईट आहे, पहिला 1.5 FSI गणेश टावर झाला तर आता तर चांगलंच आहे ना, आणि माझं असं मत आहे। वहीं BNM के सीनियर ट्रस्टी भूपेंद्र शाह, अध्यक्ष हरीश शेड़ा, सीनियर मेंबर देवांग त्रिवेदी ने बताया कि प्रॉपर्टी एक्सपो में इस बार अफोर्डेबल, मिड लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट में 25 लाख कीमत से लेकर 5 करोड़ तक की कीमत की प्रॉपर्टीज पेश की गई थी, जिसका अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला। BNM पदाधिकारियों ने बताया कि एक्सपो में 600 से अधिक मकानों और संपत्तियों की डायरेक्ट बुकिंग हुई है, जबकि 300 करोड़ का अनुमानित कारोबार हुआ है। BNM पदाधिकारियों ने अच्छे प्रतिसाद को देखते हुए अब साल में 2 बार प्रॉपर्टी एक्सपो आयोजित करने का भी ऐलान किया। जितने 19 एग्जीबिशन किए, लेकिन इस टाइप का एक्चुअल बायर का एक्चुअल इंटरेस्ट का जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल आया, ये हमारे लिए अचीवमेंट के हैं। ये तो हमारी बात है, यहाँ पे SBI वाले
फिर अभी मैं आपको इधर आया, उसके पहले वो हमने मेरा फैसिलेट करने को आए थे मेरा, कि भाई ऐसा एग्जीबिशन हमने कहाँ पे भी नहीं देखा। रासवाल यहाँ पे पार्टिसिपेट जितने भी थे, हमारे को मेन तो हमारे जितने बिल्डर भाई है उनका पार्टिसिपेट करना और उनको वो सेटिस्फेक्शन मिलना, उनको यहाँ पे 25-50 लाख अगर खर्चा करता है उसका बेनिफिट उसको मिलना, वो हमारा मेन मकसद रहता है। वो हमारा अचीवमेंट जो हमारा रहता है मेन, वो अचीवमेंट रहता है। लो बजट से मतलब 25-30 लाख के बजट वाले, जैसे 5-6 स्टॉल था उनके हर आप देखते होंगे कि तो यहाँ पे हर 5 मिनट में एक बुकिंग का अनाउंस आता है। कम से कम 600 से 700 फ्लैट की बुकिंग ऑन द स्पॉट हुई है, क्योंकि हमारा डेली लक्की ड्रॉ हो रहा है। लक्की ड्रॉ के अंदर रोज़ चिट्ठी निकल रही है तो हमारे को यहाँ पे काउंट हो रहा है। तो वो 500 से 600 कितने बिल्डर ने नहीं डाला है, कि जो मीडिया में हम सुनते थे या सिडको के MD ने जो बैठ दिए थे उसी हिसाब से ये पूरा एग्जीबिशन का फ्लो हमारे में नहीं, यहाँ पे ऑफिसरों में नहीं, पब्लिक में भी इतनी अवेयरनेस आई है। PNM 2 एग्जीबिशन करेगा, एक दिसंबर जनवरी के अंदर और 2 अप्रैल या तो मई के अंदर 2 एग्जीबिशन का। दोनों एग्जीबिशन की थीम अलग होगी लेकिन 2 एग्जीबिशन होंगे। स्पिरिट जो है कि कुछ ना कुछ करना है, उसके लिए इतने सारे डेवलपर्स आए, और आपने देखा होगा कि डेवलपर्स ने इट इज़ नॉट ओनली टेकिंग स्टॉल, कोई भी एग्जीबिशन हो या इसका सक्सेस है खाली फुटफॉल खाली सेल के माध्यम से नहीं देख सकते, यू हैव टू टेक अदर पैरामीटर्स इनटू कंसीडरेशन। पैरामीटर्स इंक्लूड अवेयरनेस नवी मुंबई को लेके क्या लेवल पे लेके आ रहे हैं हम लोग। सेकंड, द काइंड ऑफ डिग्निटरीज दैट आर देयर। आज काफ़ी सारे ऑफिसर्स है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल पुलिस पीपल, NMMC, सिडको, वो विजिट करते तो एक उनको भी एक पल्स पता चलता है। डेफिनेटली उनको एक चीज़ समझ में आया, उनके पास ऑप्शंस क्या क्या है। देखो, आप यहाँ पर बैठे हो, आप मार्केट में, आपको समझ में आता है, बट जो घर में बैठा हुआ है जिनके पास में डेली ही गोज़ टू जॉब और बिजनेस और एंटरप्रेन्योर, उनको रियल में पता नहीं होता है उनके क्या पास क्या क्या ऑप्शंस है। और हर बार ऑप्शन घर का नहीं होता है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट होती है, कभी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आने से, लोगों से बातचीत करने से, वो भी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं हमारे एम्प्लॉइज से, मार्केटिंग टीम से, तो एंड देन दे ऑल्सो टॉक टू बैंक्स। तो मुझे लगता है यहाँ पे आने से उनका विजन जो ये था अभी थोड़ा बड़ा हो गया है। इट हेल्प्स। 4 दिन का सफ़र बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। ये जो मंडे का जो एक्सपीरियंस आज का था वो सुपरलेटिव एक्सपीरियंस था। हम लोगों को कभी भी 4th डे पे इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है जितना आज मिला है। तो आखा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही अच्छा था और कन्वर्जन भी बहुत अच्छे हुए हैं। ऑल बिल्डर्स आर हैप्पी। कस्टमर्स का इंक्वायरी बहुत ही अच्छी थी, सीरियस बायर्स थे, मतलब ये फैमिली क्राउड का घूमने वाले बहुत कम थे, सीरियस बायर्स बहुत थे। हर एक स्टॉल पे करीबन एक एग्जीबिटर के पास आधा एक घंटा हर कस्टमर स्पेंड कर रहा था, और ओवरऑल एग्जीबिशन में 3-4 घंटा हर फुटफॉल वाले स्पेंड कर रहे थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ये अलग टाइप का था, मेच्योर्ड पब्लिक थी और ये मेच्योर्ड एग्जीबिशन हुआ है। देखो, अफोर्डेबल तो वो कॉमन केक है, सबको उसमें से शेयर चाहिए। उसके सिवाय भी लग्जरी में भी बहुत बहुत अच्छा डिमांड था, बड़े घरों का भी डिमांड अच्छा था। ओवरऑल द क्लाइमेट वॉज वेरी गुड, और बेसिकली नई चीज़ को अडेप्ट करने के लिए हर कस्टमर तैयार था। पहले जो रिस्ट्रिक्टेड वाशी नेहरूल तक जो आदमी की सोच थी, अभी ये सोच चेंज हो रही है, दोनागरी तक सोच रहे हैं, अब अप टू पनवेल सोच रहे हैं। तो बहुत बहुत कुछ फ़र्क है कस्टमर की थिंकिंग में। कोई भी इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास नहीं थी, बिल्डिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कितने प्रोजेक्ट बंद हो गए, कितने चले गए, कौन बिल्डर आज कोविड में उसको कितनी तकलीफ़ हुई है, ये सब इनको अंदाज नहीं था। एवरीवन वाज जस्ट थिंकिंग क्या होएगा क्या नहीं होएगा। सो हम क्लैरिटी के लिए हमने ये एग्जीबिशन रखा है और पब्लिक ने ये क्लैरिटी एक्सेप्ट किया है एंड दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। कंक्लूजन में ये है कि हम लोगों को पब्लिक से डिमांड आई है और मेम्बर्स को भी डिमांड आई है कि ये एग्जीबिशन हर 6 महीने रखना पड़ेगा। क्लीनर सिटी देन द कॉम्पिटिटर्स बींग कल्याण, डोंबिवली, थाने एंड मुंबई, इट इज़ डेफिनेटली अ बेटर सिटी। एंड उसका भी बेस्ट पार्ट है, इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर एंड वेरी एडुकेटेड पीपल आर हियर। तो जो भी जो रायट्स है, कम्युनल वायलेंस है, जो आज तक जो भी आज जो माहौल चल रहा है,
रिलीजियस फ्रेगमेंटेशन का, तो इसमें इधर सबसे सेफ नवी मुंबई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।